जी इसके लिए जब मैंने पहली बार ये कैरेक्टर सुना था कि ये कैरेक्टर थोड़ा हटके है, ये थोड़ा ग्रे है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें मुझे एक स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। आप एज एन एक्टर कई बार आप छोटे छोटे डब्बों में बंद हो जाते हैं, यार ये कॉमेडी करेगा, ये रोमांसी करेगा, या ये डांसिंग अच्छी कर लेता है, इसको यही करवाते हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये मेरी पहली फिल्म से बिल्कुल अलग है, और मैं चाहता था कि ये चीज़ जब मैं लोगों के सामने लेके आऊँ, ये फिल्म लेके आऊँ, तो फाइनली लोग रियलाइज़ करें कि यार ये फिल्म कितनी अलग है पहली फिल्म से। तो 3 साल लग गए, 3 साल बॉडी बिल्डिंग, 16 किलो पुट ऑन करना पड़ा, आवाज़ बदलनी पड़ी, आपका सोचने का तरीका बदलना पड़ा, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि रावलिया सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली बॉडी एक एलिमेंट है इस कैरेक्टर का, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कि ये किरदार कैसे प्ले करूँगा, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं आप आदत से मजबूर हो जाते हैं। पहली पिक्चर में आपको कोशिश थी कि सब लोग आपको पसंद करें, स्वीट क्यूट सब प्यारा बोले, दूसरी पिक्चर में आपको लोगों को डराना है कि लोग आपसे डरें, लोग आपको कहीं ना कहीं देख के बोले यार यानी सच्ची में पागल है कि ये फिल्म में पागल है। तो आई थिंक वो चीज़ करना सबसे मुश्किल था, कहीं ना कहीं मेंटली अपना को प्रिपेयर करना, कि मैं शायद से डर था कि कहीं ना कहीं लोग सोचें कि मैं विलन तो नहीं, कहीं उसको कैटेगराइज कर देंगे इसके बाद, बट उसको प्रोजेक्ट करना सही लाइट पे, आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट जी। कहीं ना कहीं इवन उस लव स्टोरी के अंदर मुझे रावलिया का लाइन रखना था। कई बार इस फिल्म में ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि यार इस थोड़ा सिनेमा के लिए इसको डांस करवाते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे भाई का बर्थडे हमने गाना लॉन्च किया, तो उस दिन मैं जब सेट पे गया तो मैंने कोरियोग्राफी नहीं सीखी थी, तो मैंने ऐसे पूछा कि यार बताओ स्टेप्स करने क्या है, कहते इसमें लोगों को लगना चाहिए आपको नाचना नहीं आता है, कि एक गैंगस्टर जब नाचेगा और बिना मतलब वो बेधड़क नाच रहा है, उसको स्टेप बीट का कुछ नहीं पता है, वो बस इंजॉय कर रहा है अपने आप को, वही आपकी कोरियोग्राफी है। तो अगर गलती होती है वो अच्छा है, तो हमको अगर आप कहीं भी कहीं ना कहीं इसमें डांसर दिख गए तो ये गाना अलग हो जाएगा, तो हमको पूरे हर इवन रोमांस में। अब जैसे मेरी पहले पिक्चर में है कि वो लड़की को देखता प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत से, उसमें वो लड़की की टांग खींचता है पहले दिन में, पहले सीन में बोलता है कि चाय पिलाना, स्पेशल चाय देना, तो उसका एक टेढ़ा आदमी है, वो कैरेक्टर मेंटेन करते करते उसके डिफरेंट हमको साइड दिखानी थी कि ये इंसान अगर रोमांस भी करेगा तो कैसे करेगा, इसका रोमांस किस लेवल का होगा, अगर ये गुस्से में आएगा तो कैसा होगा, ये अपने बाप के साथ कैसा रहेगा। तो आई थिंक ये एक मुश्किल टास्क होता है, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म में मेरे पास बहुत बेहतरीन एक्टर्स थे, सलमान भाई सबसे बड़े मेंटर, महेश सर, शरद सर उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किया, वो मेरे फादर का रोल प्ले करने, लिबाय सर उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक इतने खूबसूरत एक्टर्स थे इस फिल्म में, इतने मजे हुए एक्टर्स थे कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो गया था अपने आप को ब्लेंड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीन को वो लीड करते थे। नहीं पहले मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, बहुत ग्रे कैरेक्टर है, बहुत डार्क कैरेक्टर है, शायद से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, या मैं टू अर्ली इसके बारे में इस ऐसे कैरेक्टर में घुस रहा हूँ, बट आई थिंक वही मज़ा होता है एक कलाकार के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे कोई एक चैलेंजिंग रोल आता है तभी वो करने में भी बहुत मज़ा आता है। मैंने जैसे पहली पिक्चर में डांसिंग बहुत की थी, या मैंने रोमांटिक सीन्स बहुत किए थे, तो कहीं ना कहीं एक ईज आ जाता है माइंड में कि ये हो जाएगा, ये तो मैं कर लूँगा, मगर जब कुछ चैलेंज आपके सामने थ्रो करते हैं तो आप भी सुबह उठ के सोचते हो कि आज ये सीन कैसे करूँगा यार, अच्छे वे में हो जाएगा, या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कितने रीटेक होंगे, क्या होगा। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है जब कुछ चैलेंजिंग आपके सामने आता है।